सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम ये सैमसंग का B310E मॉडल है दोस्तों, इस पर लगा हुआ है पिन लॉक। तो दोस्तों हम इसका आज पिन लॉक अलग करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले हम आपको इसका मॉडल दिखा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका मॉडल B310E। तो चलिए दोस्तों हम बैटरी को लगा देते हैं और फ़ोन को स्टार्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। इसमें लगा हुआ है पिन कोड और दोस्तों पिन कोड हमको नहीं पता, देख सकते। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे B310E लिख के आया रहा है, इसका मॉडल दिखा दिया रहा। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पिन कोड लगा हुआ है, फ़ोन लॉक है और जो कि हमको नहीं है पता दोस्तों, गलत पासवर्ड हम 00 करते हैं तो नहीं है दोस्तों, ये गलत पासवर्ड कह रहा है। तो दोस्तों इसको हम Z3 Xbox से भी कर सकते हैं दोस्तों, इसका पिन कोड रीसेट या तो फ्लैश करके कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको आज फ्लैश करके करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सिस्टम में चलते हैं और करते हैं इसको फ्लैश आज। तो दोस्तों ये है हमारी सैमसंग की B310E की फ़ाइल है दोस्तों, जो कि पैक फाइल है। इसको यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो ये इसकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हेयर होने में ये ऐसी आ गई। तो दोस्तों हम एक्सट्रैक्ट टू इसकी फ़ाइल का जो नेम B310E करेंगे तो ये फोल्डर के नाम से क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये 310E की फ़ाइल है और पैक फाइल है दोस्तों ये। इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ को हम यहाँ पे हमको पैक फाइल मिल जाती है दोस्तों, जो कि साइज़ इसका 6 MB की फ़ाइल है दोस्तों। फाइल है तो इस पर एसपीडी टूल से ये होगा फ्लैश दोस्तों। तो चलिए हम एसपीडी टूल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हम चलते हैं और एसपीडी का कोई सा भी टूल ओपन कर लेते हैं दोस्तों। R400 जो हैगा 4.00 दोस्तों, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से रिसर्च डाउनलोड क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो टूल है एसपीडी टूल हो चुका है ओपन दोस्तों। और यहाँ से होती है इसकी फ़ाइल लोड, यहाँ से हम इसको लोड करेंगे दोस्तों। 6 MB की फ़ाइल है तो ये टाइम नहीं लेगा लोड होने में, तुरंत ही लोड हो जाएगा। तो हमको लोकेशन देना है जहाँ पे हमारी फ़ाइल है, हमारी डेस्कटॉप पर थी दोस्तों। डेस्कटॉप पर B310E के अंदर इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये पैक फाइल है, यहाँ से इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इसकी फ़ाइल हो चुकी है लोड। तो चलिए दोस्तों अब हम फ़ोन को इस पर कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हमने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है, पहले बैटरी निकाल के हमने स्विच ऑफ कर दिए हैं दोस्तों। अब हम ढक्कन लगा देते हैं और दोस्तों ये यहाँ पे इसका बटन है स्टार्ट का, इसको यहाँ से हम करते हैं क्लिक। और अब हम ये इसकी बूट की दोस्तों ये ओके वाली बटन रहती है जो बीच की रहती है, इसको ओके दबा के रखेंगे और फिर डेटा केबल इंसर्ट करेंगे इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारी ये फ़ाइल जो है फ्लैश होना शुरू हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो दोस्तों देख सकते हो सिस्टम में भी फ्लैशिंग चालू हो चुकी है इसकी और यहाँ पे भी हमारा डिवाइस कनेक्ट है दोस्तों, देख सकते हो। तो दोस्तों हम थोड़ा सा वेट करेंगे। दोस्तों छोटी सी फाइल है तो ये जल्दी ही हो जाएगी फ्लैश दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है फ्लैशिंग हो चुकी है डन। यहाँ पे पास दिखा दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हो आप, यहाँ पे पास दिखा दिया है, लिख के आ चुका है। तो चलिए दोस्तों हम फ़ोन को डिसकनेक्ट करते हैं अब, और एक बार हम बैटरी को निकाल के इस पे दोबारा से इंसर्ट करेंगे। और फ़ोन को स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों देख सकते हो B310E मॉडल है हमारा, और जो हमारा पिन कोड लगा हुआ रहा दोस्तों, अब देखेंगे इस पे पिन कोड लगा है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन अभी स्टार्ट होते ही पिन कोड में मांग रहा था दोस्तों, और यहाँ पे अब फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम IMEI भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, हमारी IMEI भी हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि मैं ऐसी जो भी वीडियो डालूँ तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसी वीडियो आपके लिए डेली ला पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल पर। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।